लोग जा रहे हैं M3 स्पोर्ट्स, मेरी जो ये पुरानी बैट है GM की, से यहाँ से देखो तो थोड़ा सा वुड भी निकल गया है और हैंडल से थोड़ा आवाज़ भी कर रही है, खेलने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग M3 स्पोर्ट जाएंगे, अगर वहाँ पे एक अच्छी बैट हमें मिलती है तो हम लोग बाय करने वाले हैं और इसे हम लोग रिपेयर करके ले लेंगे। हमारे साथ सर भी आ रहे हैं। तुला हॅरो जमते का पण प्रोफाईल पण चेंज केला त्यांनी। बट फाइनल फाइनल का आवडली आवडली फाइनल ही फाइनल धनीत फाइनल स्पोर्ट से घर आ चुके हैं और हमारी फाइनली न्यू बैट आ चुकी है SF। वाओ, बहुत ज़्यादा पसंद आई ये SF की इंग्लिश विलो कैमो प्रीमियम 10,000 है, जो कि इसका प्रोफाइल SF ने पूरा बदल दिया है। पहले वाले बैट इतने बैलेंस में अच्छे नहीं थे, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। तो ये इसका कवर है एंड दिस इज द बैट। पूरी बैट वाइट वुड है, पीछे से भी ऐसा है स्टिकर ब्रांडिंग SF और टोटल 11 ग्रेन्स है इस बैट को और इसका टोटल 1066 ग्राम्स की ये बैट है और ये इसकी MRP है। दिस इज हैरो साइज, हैरो साइज की बैट ली क्योंकि मैं ये जो मेरी बैट है GM ये 6 नंबर की थी और अभी छोटी भी आ रही थी हाइट से और बैट पूरी ख़त्म ही हुई, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1.5 ईयर ही बैट यूज़ की है। तो इसमें देख सकते हो आप, ये ऐसे इसके निकल रहा है, वुड भी निकल रहा है और अगर ये प्रेस भी कर लेते तो भी इसके छोटे छोटे जो वुड है वो भी निकल रहा था, तो प्रेसिंग में अगर ये एक उधर इधर उधर हो जाता वुड भी निकल जाता बैट का। यहाँ से भी ये गया है, मतलब बहुत मज़ा आया ये बैट यूज़ करने में। फिलहाल भी मैं कर रहा हूँ, जब तक ये बैट पूरी मेरी सीज़न नहीं हो जाती तो मैं यही बैट यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि और बैट है नहीं मेरे पास। इसी बैट से मैंने मेरी फर्स्ट हाफ सेंचुरी की थी 21 बॉल्स में। तो अभी हम लोग ये इसके ऊपर का कवर निकालेंगे। व्हाइट वुड SF कैमो प्रीमियम। स्टिकर नहीं है, वहां से हम लोग ऑयल कर रहे हैं। ऑयल लगाने के बाद लाइट्स में ये बैट शाइन कर रही है, तो अभी हम बैक साइड से ऑयलिंग कर रहे हैं।
Early the next morning. तो फर्स्ट लेयर ऑफ ऑयलिंग में बैट ने पूरा ऑयल सक किया है, तो अभी हम लगाएंगे इस पे सेकंड लेयर ऑफ ऑयलिंग। ओल्ड बैट के वुड थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो अभी हम मराइन ग्लू से वो चिपकाएंगे और उसके ऊपर टेपिंग करेंगे। ये बैट प्रेस करके रिपेयर नहीं हो रही है क्योंकि इसके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑयलिंग के बाद बैट ने पूरा ऑयल एब्जॉर्ब किया है, तो अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा सैंड पेपर से बैट को पॉलिश करेंगे ताकि जो भी थोड़ा सा ऑयल बचा है वो सारा निकल जाएगा और हमारी टेपिंग भी अच्छी तरीके से होगी। एजेस को भी करना है। तो बैट के ऊपर का सारा ऑयल निकल गया है और अभी हम लोग इसके ऊपर करेंगे टेपिंग। इस बार ऑयलिंग और टेपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और अभी सिर्फ बैट को नॉक ही करना है। तो यूजुअली हम पहले ड्रॉप बॉल्स को यूज़ करेंगे, फिर थोड़ी सी बैट सीजन होने के बाद हम लोग नेट्स में और मैचेस में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैट की ऑयलिंग और टेपिंग भी हो चुकी है, अब बारी आती है बॉल से इसको नॉकिंग करने की। हमारी बैट बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, अभी भी थोड़ा सा नॉकिंग बचा है। मैं सर से भी हेल्प लेके थोड़ी और नॉकिंग करूँगा, बैट को सीजन होने देते हैं। और इस वीडियो में आपने देखा हमने कैसे ऑयलिंग की, टेपिंग की और थोड़ी बहुत नॉकिंग की। तो बस इस वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे हर नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ द जीन, अडियोस अमिगोज़।